हम कई बार ये सुनते आए हैं कि काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है। वाकई सच है, पर हमारे कर्म हमेशा छोटे बड़े जरूर होते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म, जो बिना किसी लगाव और निस्वार्थ भाव के साथ। राजसिक कर्म, स्वयं के लिए स्वार्थ और लाभ की इच्छा। तामसिक कर्म, स्वार्थ और बर्बरता। कर्म योग सर्वोच्च ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है। कर्म को अनाशक्ति भाव के साथ करना बिना किसी लाभ और अपेक्षा के ही कर्म योग है। अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। जिस कार्य से अपना और दूसरों का अहित हो वो पाप है, और जिस कार्य से सभी का हित हो वो पुण्य है। जब तक दूसरों का भला नहीं होगा तब तक स्वयं का भला भी नहीं हो सकता, और जिससे दूसरों का हित होता है उससे अपना अहित कभी नहीं होगा। जानबूझकर दूसरों का बुरा करने की इच्छा से किया गया कर्म पाप है। पैर में चुभे कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक कांटा दर्द देता है और दूसरा दर्द से मुक्ति दिलाता है। हम मनुष्यों के कर्म भी इन कांटों की तरह हैं, और यह हमें ही तय करना है कि हमें दूसरों को पीड़ा देने वाला कर्म करना है या राहत देने वाला। कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं होता है कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्ता है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। हम अपने जीवन का बहुत सारा वक्त और बहुत सारी ऊर्जा दूसरों के जैसा बनने में लगाते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे श्रेष्ठ हैं और जीवन की दौड़ में वो हमसे आगे निकल जाएंगे। मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। उसे यूं समझे, किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वो बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्धारंभ के पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म उपासना और ज्ञान का उपदेश दिया था, तथा अंत में अर्जुन ने पूछा, प्रभु इस संसार में सत्य क्या है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा कि मित्र, इस संसार में एक ही सत्य है और वो है इस धरती पर जन्म लेने वाली की अनिवार्यतः मृत्यु होना, यानी जो जन्मा है वो मरेगा अवश्य। जिसमें परिवर्तन कर पाना किसी के वश में नहीं होता, इसलिए यही सिद्धांत है कि मनुष्य को अपना कर्म करते हुए निश्चिंत मन से जीवन जीना चाहिए। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस संसार में सत्कर्म से सबका भला करें, उसी में परम आनंद की अनुभूति है। लेखक कमलेश डाभी, राजपूत, पाटन, गुजरात द्वारा लिखा गया नया आलेख। खबर सबकी, सीधे आप तक।